क्या 2022 में अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बीएड है बैचलर ऑफ एजुकेशन वो बंद होने वाली है? क्या बीएड करने के लिए अब 2 की जगह हमें 4 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी? क्या मुझे इसी साल बीएड में एडमिशन ले लेनी चाहिए ताकि मैं अपनी जो है बीएड की पढ़ाई कंप्लीट करके एक अच्छा टीचर जो है वो बन सकूं और टीचिंग में अपना नाम बना सकूं? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। फ्रेंड्स, एक टाइम ऐसा था कि जब बीए करने के बाद, बैचलर डिग्री करने के बाद हमें बीएड करने में सिर्फ 1 साल लगता था। फिर एक पर्टिकुलर ईयर में न्यूज आई कि अगले साल से बीएड 2 साल की होने वाली है। हमने सभी लोगों को अवेयर किया कि जो भी बीएड करना चाहते हैं इसी साल एडमिशन ले लें, क्योंकि अगले साल से अगर वो बीएड करते हैं तो उनको बीएड करने में 2 साल लगेंगे। लेकिन कुछ लोग माने, बहुत सारे लोग जो है उन्होंने इसको र्यूमर ही समझा। लेकिन बीएड फिर बीए के बाद, बैचलर डिग्री के बाद 2 इयर्स की हो गई, और अब किसी को भी बीएड करनी हो तो वो 4 सेमेस्टर में करता है, यानी कि 2 इयर्स में। ओके, अब क्या है, एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लेके चलें कि हम एक बैचलर डिग्री करते हैं, चाहे वो बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, और उसके बाद फिर हम बीएड करते हैं, वो 2 साल की है। 3 साल की हम बैचलर डिग्री करते हैं, उसके बाद में 3 साल की हम दूसरी बैचलर डिग्री करते हैं, तो ये कोई हमारी हायर क्वालिफिकेशन तो हुई नहीं। ये तो एक तरह से क्या हुआ, 2 बार बैचलर डिग्री करना। ऐसे ही लॉ में है बीए एलएलबी। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, अब एजुकेशन पॉलिसी क्या कह रही है कि आप जो है आप प्लस 2 के बाद ही डिसाइड कर लो आपको क्या करना है। तो प्लस 2 के बाद अगर आपको टीचर बनना है तो यू विल ज्वाइन अ बैचलर डिग्री कोर्स ऑफ एजुकेशन विच विल बी ऑफ 4 इयर्स। आप 4 साल में अपनी प्लस 2 के बाद बीएड कंप्लीट कर सकते हो। तो इसमें क्या सीन है कि नेक्स्ट ईयर से अगर ये चीज इंप्लीमेंट होती है तो जो लोग पुराने ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए जो है बीएड में सीट मिलना जो है डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी सीट्स जो है वो प्लस 2 के बाद ही बीएड के कोर्सेज में फिल हो जाएंगी। तो वहां पे कंपटीशन बढ़ने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग बीए हैं, बीकॉम है या बीएससी है, अगर उनको अब बीएड करनी होगी नेक्स्ट ईयर से तो उनको बीएड की डिग्री के लिए सीट नहीं मिलेगी। सीट मिलेगी, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स कम होंगी, नंबर ऑफ कॉलेजेस कम होंगे जो पुराने वालों को बीएड करवाएंगे। तो इसीलिए अगर आप बीएड करना चाहते हैं, क्योंकि बीएड टीचर्स के लिए बहुत जरूरी है, अगर उसको ग्रेड पे सैलरी लेनी है प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करनी है तो बीएड बहुत जरूरी है। तो बीएड इस साल कर ले, बिना एंट्रेंस टेस्ट के सीट मिल रही है, फीस में भी कंसेशन मिल रहा है, और जो है आप एक तरह से रेगुलर की बीएड जो है वो भी ऑनलाइन मोड में कर रहे हो, घर से अवेलेबिलिटी हो रही है आपको पढ़ने की। तो इस चीज का एडवांटेज उठा लें और बीएड कोर्स के लिए ज्वाइन कर लें। कहाँ से करना है, कैसे करना है, कौन सी यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज्ड हैं, कौन सी नहीं है, तो उसके लिए आप मेरे नंबर 8427829974 पे मुझे कॉल कर सकते हैं। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू कि अगर आप मेरी हेल्प लो और आपको सही जगह पे बीएड के लिए सीट मिल जाए। तो मेरा नंबर एक बार फिर से बता देता हूँ, 8427829974। आपकी मैं हेल्प करूँगा आपको सही बीएड कॉलेज में एडमिशन दिलवाने के लिए। थैंक यू।